इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुख्य वन संरक्षक छतरपुर एवं वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन में वन अपराधों पर अंकुश एवं नियंत्रण स्थापित करने के लिए वन पर क्षेत्र अधिकारी जतारा शिशुपाल अहिरवार को 11 जनवरी की 2024 की सुबह मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि वन परिक्षेत्र जतारा की बीट कछोरा के वन क्षेत्र में बहने वाली उर नदी में वन माफियाओं के द्वारा एक JCB के माध्यम से वन क्षेत्र में अवैध रूप से रेत का उत्खनन का कार्य किया जा रहा है, जिसके पश्चात सूचना के आधार पर दल का गठन करते हुए मौके से वन अमले को भेजा गया तो मौके से जाकर देखा कि वन क्षेत्र में एक पीले रंग की JCB उत्खनन करते हुए देखी गई, जिसका चालक वन अमले को देखकर मौके से JCB को भगाकर ले गया, जिसका वन अमले के द्वारा पीछा करते हुए टोरिया गांव में रोककर विधिवत जब्ती की कार्यवाही की जाकर वन अमले के द्वारा स्वयं से चलाकर थाना पलेरा जाकर थाने में सुरक्षित खड़ा किया जाकर आरोपी वाहन चालक और वाहन मालिक के नाम से नामजद वन अपराध पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही हेतु विवेचना में लिया गया। उक्त कार्यवाही शिशुपाल अहिरवार वन परिक्षेत्र अधिकारी जतारा के कुशल नेतृत्व में मार्गदर्शन में पुलिस थाना पलेरा के पुलिस बल के सहयोग से की गई, जिसमें वन परिक्षेत्र जतारा ने वन अमले में ग्रुप में केसरी सिंह घोष डिप्टी रेंजर, धनीराम नापित डिप्टी रेंजर, रियाउद्दीन काजी वनपाल, ओम प्रकाश रेकवार वनपाल, राम सेवक अहिरवार वनपाल, शिवम पटेल वन रक्षक, धीरज सोनी वन रक्षक, ललित राय संजय दीक्षित वन रक्षक, सूर्य प्रताप सिंह वन रक्षक, विकास बाबू वर्मा वन रक्षक, पुष्पेंद्र सिंह बुंदेला वन रक्षक, अनिल त्रिवेदी स्थायी कर्मी, आजाद खान स्थायी कर्मी, राहुल वर्मा वाहन चालक इत्यादि उपस्थित रहे। आज हमें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई है कि एक हमारा कछोरा बीट है, वन परिक्षेत्र जतारा की एक कछोरा बीट है, वहाँ पे और नदी बहती है तो वहाँ पे जो वन माफिया इन दिनों सक्रिय हो जाती हैं, तो कल रात में मशीन लगाने की उनकी योजना थी लेकिन हमारा गश्त दल गया हुआ था और फिर सुबह से हमको आज सूचना मिली तो मौके पर जाके वो एक पीले रंग की JCB वहाँ नदी में उत्खनन करते हुए दिखाई दी और जिसका पीछा करने पर वाहन चालक छुड़ा के भगा ले गया था। फिर हम जाके ये टोरी गांव में उस JCB को पीछा करते हुए पकड़े और जब्ती की कार्रवाई करके वन अपराध दर्ज करके उसको सुरक्षित पलेरा थाने में खड़ा कराया गया। क्या कर रहा था वो? क्या रेत का उत्खनन कर रहा था नदी से जी। इसकी ये बगतपुरा के किसी यादव की JCB बताई जा रही है, क्योंकि अभी मौके से ड्राइवर भी नहीं था और वाहन मालिक भी नहीं था तो प्रकरण को अभी अज्ञात में दर्ज कराकर विवेचना में लिया गया है तो शीघ्र ही आरोपी का नाम और पता चल जाएगा। इसके साथ और भी कोई अन्य वाहन थे क्या? ट्रैक्टर नहीं, ये एक्चुअली क्या करते हैं कि अभी खोद लेते दिन में और रात में उसका परिवहन करते तो ये स्टार्ट ही किए थे खोदना और जाके वहाँ पे हम लोगों ने पुलिस के सहयोग से दबिश दी। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।